वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा टॉप अपडेट ऑफ डीटीएच केबल टीवी ट्राई ब्रॉडकास्टर से रिलेटेड सभी के सभी अपडेट्स आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जो अपडेट आ रहा है दोस्तों, यूप ओटीटी ऐप को लेकर आ रहा है। यूप ओटीटी ऐप जो है उसको लाइसेंस मिल गया है एक केबल टीवी एमएसओ ओपन करने के लिए, और बहुत ही जल्द यूप ओटीटी जो सर्विस प्रोवाइडर है अब वो केबल टीवी सर्विस प्रोवाइड भी करने वाला है। बेसिकली इनका जो रीजन है वो तेलंगाना साइड में यूप केबल टीवी बहुत ही जल्द शुरू हो सकता है। अगला जो अपडेट है दोस्तों, डीडी नॉर्थ ईस्ट चैनल को लेकर आ रहा है। डीडी नॉर्थ ईस्ट चैनल जो है रीब्रांड हो गया है, अब उसका नाम हो गया है डीडी असम, और डीडी असम पहला असम का नेशनल चैनल बन चुका है। उनका एक तरीके से उनके राज्य का चैनल बन चुका है, जहां पे 24/7 असामी कंटेंट अब देखने को मिलेगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों, डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म की तरफ से आ रहा है। डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर 3 चैनल रिमूव कर दिए गए हैं, जिसमें एमपीजी 4 स्लॉट्स में 46 ऑक्शन में वो चैनल सेलेक्ट हुए थे, और अभी फ़िलहाल 3 चैनल रिमूव कर दिए गए हैं, जिसका नाम है इंडिया न्यूज़ एमपी, इंडिया न्यूज़ यूपी एंड इंडिया न्यूज़ हरियाणा। इन तीनों चैनलों पर अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर कलर बार आ रहा है। साथ ही दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे 2 चैनल रिब्रांड भी हुआ था, जिसका नाम था एक नॉर्थ ईस्ट का तो मैंने बता ही दिया डीडी असम है, और अगला जो इंटरटेन चैनल था, इंटरटेन चैनल को रीनेम करके अब इंटरटेन मूवीज़ कर दिया गया है। इंटरटेन मूवीज़ डीडी फ्री डिश के साथ साथ सभी डीटीएच और केबल टीवी के भी प्लेटफॉर्म पर इंटरटेन मूवीज़ के नाम से अब जाना जाएगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों, एमआईबी की तरफ से आ रहा है। एमआईबी ने जुलाई मंथ में 27 एमएसओ का लाइसेंस अप्रूव किया है, साथ ही 7 एमएसओ का लाइसेंस उसने रद्द भी करा है, जिसमें जो यूप टीवी है, यूप ओटीटी जो है वो आखिरी एमएसओ था जिसको जुलाई मंथ में अप्रूव किया गया था केबल टीवी सर्विसेज के लिए। तो एमआईबी की तरफ से यही अपडेट आया दोस्तों, जिसमें 27 एमएसओ लाइसेंस अप्रूव किए गए हैं और 7 एमएसओ लाइसेंस को रद्द किया गया है। अगला जो अपडेट है दोस्तों, सोनी नेटवर्क की तरफ से आ रहा है। सोनी नेटवर्क के स्पोर्ट्स चैनल सोनी 10-1, सोनी 10-2, सोनी 10-3, इन तीनों चैनलों पे आपको यूएफए फुटबॉल मैच देखने को मिलने वाला है। 5 तारीख से 9 तारीख तक जितने भी मैचेस होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे देखने को मिलने वाला है। अगला जो अपडेट है दोस्तों, डिश टीवी की तरफ से आ रहा है। डिश टीवी के प्लेटफॉर्म पे 25 से 30 चैनल एक वीक पहले ही रिमूव हुआ था, और 2 दिन पहले डिश टीवी के प्लेटफॉर्म पे 11 और चैनल रिमूव कर दिए गए हैं। देखा जाए तो पिछले 30 दिन के अंदर डिश टीवी अपने नेटवर्क से लगभग 40 से 50 चैनल रिमूव कर दिया गया है। उन सभी चैनलों का अगर नाम देखा जाए तो सभी के सभी साउथ इंडियन चैनल्स है। इसके डिटेल वीडियोस मैंने ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पर, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। अगला जो अपडेट है दोस्तों, डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म को लेकर आ रहा है। डीडी फ्री डिश के एमपीजी 2 स्लॉट्स में जितने भी चैनल्स आपको देखने को मिलते थे, उन सभी चैनलों पे कल रात से एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, जिसके तहत आपको वहाँ पे जिस चैनल का, जैसे सोनी पल दिख रहा होगा तो सोनी पल चैनल का नाम दिखेगा, लेकिन वहाँ पे वीडियो कुछ और आ रहा होगा, स्टार उत्सव के जगह पे कुछ और आ रहा होगा, डीडी उर्दू के जगह पे कुछ और आ रहा है, यानी कि सभी चैनलों के जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ आ रहे हैं। वहाँ पे ईपीजी में नाम कुछ और है और उस चैनल पे वीडियो कुछ और आ रहा है। ये कल रात से टेक्निकल इश्यूज हो गया है, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अगला जो अपडेट है दोस्तों, डीडी फ्री डिश के ही प्लेटफॉर्म की तरफ से है कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर आज रात से 2 चैनल आपको एमपीजी 2 स्लॉट्स में देखने को मिलेगा, जो कि एक एफजी धाकड़ है, एक न्यूज स्टेट यूपी एंड यूके है। न्यूज स्टेट यूपी एंड यूके जो चैनल है वो आपको एमपीजी 4 स्लॉट्स में भी देखने को मिलता था, लेकिन अब एमपीजी 2 स्लॉट्स में वो चैनल देखने को आज रात से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही एफजी ढाकर चैनल भी आपको देखने को मिलेगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों, पाकिस्तान के चैनल डॉन न्यूज़ को लेकर आ रहा है। डॉन न्यूज़ को बेसिकली संडे को किसी ने हैक कर लिया था, और वहाँ पे एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और इंडियन फ्लैग्स। तो डॉन न्यूज़ वाले जितने भी हैं वो कह रहे हैं इंडियन हैकर्स ने उनके चैनल को हैक करा था और ऐसा मैसेज फ्लैश किया गया था। डॉन न्यूज़ एक एफटीए सैटेलाइट चैनल था, फिर भी उसे हैक कर लिया गया था। अगला जो अपडेट है दोस्तों, सेट टॉप बॉक्स को लेकर आ रहा है कि सेट टॉप बॉक्स को लेकर इंडियन गवर्नमेंट सख्त होने जा रही है। जितने भी इंडिया में डीटीएच और केबल टीवी के सेट टॉप बॉक्स आते हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, जो कि थाईलैंड और वियतनाम के रास्ते इंडिया में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए
जो इंडियन गवर्नमेंट है चाइनीज़ सेटअप बॉक्स पे बैन लगा सकता है, उनका आयात निर्यात को बंद कर सकता है। तो ऐसा अपडेट आ रहा था कि इंडिया में ही सेटअप बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सकती है आने वाले टाइम पे, और चाइनीज़ जितने भी सेटअप बॉक्स हैं उनको बैन किया जा सकता है। अगला जो अपडेट है दोस्तों वो है केबल टीवी के लेकर ही, कि केबल टीवी के ऑडिट को लेकर है कि जितने भी एमएसओ हैं उन सभी को केबल टीवी का ऑडिट कराना कंपलसरी है, ट्राई ऑडिट कराना कंपलसरी है, जिसके लिए लगभग 31 ऑडिट एजेंसीज हैं। उन ऑडिट से किसी भी एजेंसी से आप ऑडिट करा सकते हैं और सभी ब्रॉडकास्टरों को रिपोर्ट देनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका चैनल कभी भी बंद हो सकता है। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।